बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम की जानिब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज मैं आपको क्लास 3 ग्रामर के ऊपर लेक्चर दूंगी। हम अपनी बुक खोलते हैं। हमने जो है स्टार्ट के चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 सेंटेंस ये हम कवर करवा चुके हैं। सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंसेज ये भी हम कवर करवा चुके हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, जो है आर्टिकल्स। व्हाट आर आर्टिकल्स? पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। क्या कहते हैं? ए, एन और द, ये तीन वर्ड, तीन जो हैं इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। और इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन आपके पास क्या होता है? नाउन किसी भी चीज़ का, जगह का या इंसान का नाम जो होता है वो आपको नाउन होता है, आपके पास नाउन होता है। तो किसी भी नाउन से पहले हम इन तीनों को इस्तेमाल करते हैं। We use a before singular noun which begin with the consonant. क्या कहते हैं? a हम लोग किसके साथ use करते हैं? हम noun के साथ use करते हैं, लेकिन singular noun। singular का मतलब अकेला, अकेला noun जो हमारे पास होता है तो उसमें हम जो है a use करते हैं। और वो noun जो है वो consonant से begin होता है, यानी vowel से start नहीं होता, consonant से start होता है। vowel और consonant हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसका concept हम clear कर चुके हैं। इसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आ जाए। अ टोमेटो, अ टोमेटो, टी आपके पास क्या है? कॉन्सनेंट है, वॉवल नहीं है, इट्स अ कॉन्सनेंट। तो अ टोमेटो, अ प्लांट, अ फ्रेंड, अ बुश, अ ट्री, अ हाउस। इसी तरह से ये सारे जो हैं आपके पास ये कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसके साथ ए का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आगे आ जाए। वी यूज एन बिफोर सिंगुलर नाउन विच बिगेन विद द वॉवल साउंड। यहाँ पे ए हम यूज़ करते हैं उसके साथ, सिंगुलर के साथ ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ जो कॉन्सनेंट से स्टार्ट होते हैं। और एन हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ स्टार्ट करते हैं जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं या वॉवल का साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन एप्पल, एन एप्पल, ए इज़ अ वॉवल, तो एप्पल स्टार्ट हुआ है वॉवल से, तो एन एप्पल। इसी तरह एन ईगल, ई इज़ अ वॉवल, तो ई जो है वो वॉवल है, तो ये वॉवल से स्टार्ट हुआ है, तो एन। फिर एन एम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एग्स, एन आइसक्रीम। इसी तरह से हमारे पास अगला है, वी यूज द फॉर स्पेशल नेम्स। वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग। हम लोग द स्पेशल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, खास चीज़ों के लिए जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ, किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके लिए द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पाकिस्तान टाइम, द पाकिस्तान टाइम। तो पाकिस्तान टाइम जो है ये एक खास चीज़ है, एक मखसूस चीज़ है। किस जगह का टाइम है? पाकिस्तान का टाइम है, ठीक है। तो इसके साथ हमने द यूज़ किया। द स्कूल, स्कूल के बारे में, एक खास जगह के बारे में बात की जा रही है, तो द स्कूल। द इंडस रिवर, कौन सा रिवर है? इंडस रिवर है, खास रिवर है, तो द। फिर इसी तरह द लाइब्रेरी, द होली कुरान और द न्यूज़, ठीक है। इसी तरह से हम अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे आपको गिवन है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपके पास है, राइट ए और एन टू फिल इन द ब्लैंक। आपने क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में, ब्लैंक्स में आप लोगों ने ए लिखना है या आई लिखना है? ए एन लिखना है। जहाँ पे ए आता है वहाँ पे आपने ए लिखना है, और जहाँ पे एन आता है वहाँ पे आपने एन लिखना है। देखें, आई नंबर वन है, आई रीड डैश स्टोरी बुक एवरी नाइट। आई रीड अ स्टोरी बुक एवरी नाइट। एलिफेंट इज अ फ्रेंडली एनिमल। आई लाइक टू प्ले विद एन एरोप्लेन। देखें, एरोप्लेन स्टार्ट हुआ है ए से, ए वॉवल है, तो इसके साथ हमने एन का यूज़ किया। इसी तरह से यहाँ पे एस से स्टार्ट हुआ, एस वॉवल नहीं है तो ए यूज़ हो रहा है, एफ वॉवल नहीं है तो ए यूज़ हो रहा है। फिर है, आई ईट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एवरी डे। हसन कैन राइड अ बाईसाइकिल। इसी तरह नीचे आपको गिवन है, सना इज इन मिस्टर आमिर पेट हाउस। पेट कहते हैं जानवर, पालतू जानवर, ठीक है। क्या कहते हैं कि सना जो है वो मिस्टर आमिर के पेट शॉप में है, पालतू जानवरों की दुकान में है। कंप्लीट देयर कन्वर्सेशन विद ए एन एन और द। आपने इनकी कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है, और इसमें ए एन और द का इस्तेमाल करते हुए। सना, आई वॉन्ट टू बाय अ कैट प्लीज। मिस्टर आमिर, डू यू वॉन्ट ओल्डर किटन, अ यंग किटन और एन ओल्डर किटन।
ठीक है। इसी तरह आई वॉन्ट एन ऑरेंज कलर किटन, एन ऑरेंज कलर एन ऑरेंज किटन इन दिस केज इज सोल्ड, द ओल्ड मैन बॉट इट। देखें अब यहाँ पे हमने द का इस्तेमाल किया, द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है द ओल्ड मैन यानी एक खास एक मखसूस बदले के बारे में बात की जा रही है, एक बूढ़े आदमी के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमने द का इस्तेमाल किया। देन कैन आई हैव द ब्लैक वन, ठीक है, किसके बारे में, द इस्तेमाल करें क्योंकि ब्लैक वन ब्लैक एक खास कलर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अ केज ओवर देयर, मिस्टर आमिर सर्टनली यू हैव मेड अ वेरी गुड चॉइस, सर्टनली यू हैव मेड अ वेरी गुड चॉइस, ही इज एन एक्टिव किटन, एक्टिव किटन, ठीक है सना, थैंक यू मिस्टर आमिर, मिस्टर आमिर यू आर वेलकम। ये लेक्चर पेरेंट्स ये लेक्चर बच्चों को बार बार दिखाएं, तो दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करवाएं, थैंक यू वेरी मच।